सर्वेज की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाना सिखाऊंगी पनीर की सब्जी। ये हमने लिया है पनीर, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये हमने मटर लिए हैं। अब हम मटर और पनीर के लिए 5 मिनट के लिए उबालेंगे। पनीर हमारा उबलकर तैयार हो गया और मटर भी उबलकर तैयार हो गई है। अब ये हमने लिया लहसुन और प्याज, इसका हम पेस्ट बनाएंगे। ये हमने लिए टमाटर, इसका हम प्योरे बनाएंगे। ये हमने कढ़ाई लिए, इसमें हमने सरसों का तेल डाला है। तेल को अच्छी तरह से गर्म हो जाने दीजिए। अब इसमें हम लहसुन और प्याज का पेस्ट डालेंगे। इसे अच्छी तरह से भुन जाने दीजिए। अब इसमें हम टमाटर प्योरो डालेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह से पकाएंगे। ये पककर तैयार हो गया। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। इसमें डालेंगे हम नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। इसे हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। मसाला हमारा पककर तैयार हो गया। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मटर, अब इसमें हम डालेंगे पनीर। ये हमने पनीर उबाला था, उसका पानी है। ये हम सब्जी में डालेंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकाएंगे और ढक के रख दें। 10 मिनट हो गए, अब हमारी पनीर की सब्जी बनकर तैयार हो गई। पनीर की सब्जी पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।